हे गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप कोई नया पीसी बनाना चाहते हैं या किसी भी पुरानी पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये आता है कि आप इसे नया खरीदें एंड इसे खरीदें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अगर आप किसी भी बड़े सिटी में हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, तो वहां पे तो मार्केट्स अवेलेबल हैं। बट ऐसे बहुत सारी जगह इंडिया में, आई थिंक 99% से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे डायरेक्ट कोई भी बड़ी दुकान नहीं है एंड छोटे रिटेलर्स रहते हैं, जहाँ पे प्राइसेस जो है आप लोग श्योर नहीं है कि अच्छा है कि नहीं है। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है कि स्टॉक इन लोगों का इतना ज्यादा सही रहता नहीं है। तो देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। एंड अगर आप किसी छोटे शहर में है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाना चाहते हैं, तो इज इट अ गुड आइडिया और नॉट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रोफेसर टेक एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे। जैसे कि मैंने बताया, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो के एंड तक पक्का देखिए इफ यू गाइज वॉन्ट टू सेव सम सीरियस मनी ऑन योर पीसी बिल्ड। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल या पसंद आई हो, तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक के बटन को पक्का दबाना एंड एक कोई भी कमेंट छोड़ देना, सो दैट आई फील मोटिवेटेड डूइंग दीज वीडियोस। तो स्टे ट्यून्ड। Press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLite. तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये किया है कि जब मैं कलकत्ता गया था, वहां पे मैंने एक प्राइम लोकेशन यानी चांदनी चौक में एक रैंडम शॉप उठाई जिसका नाम था स्टारकॉम्प इन्फोटेक। मैं एमडी कंप्यूटर्स नहीं जाना चाहता था बिकॉज आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट। तो स्टारकॉम्प इन्फोटेक से मैंने करीब करीब 11 चीजों का प्राइस लिया एंड इस प्राइस को अब मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइस से, जो कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में है एंड इसका प्राइस लिस्ट अवेलेबल रहेगा आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। ये अपडेट होता रहता है, सो दिस इज क्वाइट रीसेंट। इसके अलावा हम लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे एमडी कंप्यूटर्स एंड प्राइम एबीजीपी वेबसाइट के साथ। मैं साथ में वेदांता एंड द आईटी डिपो को भी यूज करना चाहता था कंपैरिजन के लिए, बट वो बहुत ज्यादा रैंडम हो रहा था एंड डिफरेंस इतना ज्यादा था नहीं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इन चार शॉप्स को ही कंपेयर किया है। एंड द प्राइस लिस्ट जो कि मैं कंपेयर करूंगा उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं राइजन 5 2600 की। ये एक बहुत ही काबिल सीपीयू है एंड ये सीपीयू हमको एमडी कंप्यूटर्स पे मिलता है 15,640 रुपीज का, जो कि सबसे महंगा है। एंड वहीं पे यही हमको सीपीयू कॉस्ट टू कॉस्ट नेहरू प्लेस में मिलता है 14,866 रुपीज का, मतलब करीब करीब 800 रुपए का डिफरेंस है। वहीं पे अगर हम कलकत्ता में स्टारकॉम्प इन्फोटेक की बात करें तो उसमें हमको 15,328 रुपए पड़ा एंड प्राइम एबीजीपी पे इट वाज 15,600। सो आप देख सकते हैं कि इसमें एमडी कंप्यूटर्स में आपको सबसे महंगा मिला एंड कॉस्ट टू कॉस्ट में सबसे सस्ता मिला। बट ऑनलाइन शॉप्स में जब तक फ्री डिलीवरी का ऑफर नहीं रहता है, तो ऐसा भी होता है कि डिलीवरी चार्जेस भी कुछ कुछ हो, यानी मॉनिटर्स एंड कैबिनेट जैसी चीजों पर डिलीवरी चार्जेस जनरली होते हैं एंड सीपीयू जैसे छोटे कंपोनेंट पे जनरली नहीं होते हैं, तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक आप उसको ऑफलाइन शॉप में आपका जो जाने आने का जो खर्चा होता है उससे आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, तो यू कैन लीव दैट पार्ट। तो राइजन 5 2600 के बाद हम लोग बात करते हैं i5 8400 की। तो यहाँ पे हमको सबसे सस्ता मिला अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट के वेबसाइट पे, मतलब उनके ऑफलाइन प्राइस जो था, एंड इन सभी प्राइसेस में जीएसटी इंक्लूडेड है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो 13,800 सबसे सस्ता मिला एंड वहीं पे हमको स्टारकॉम्प कलकत्ता में इट वाज 14,514 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा आपका ऑनलाइन से सीधा ऑफलाइन पे चला गया, तो इट इज क्वाइट रैंडम, जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेगा। गीगाबाइट का H310MH मदरबोर्ड, जो कि सारे रिटेलर्स के पास अवेलेबल था, ये हमको सबसे सस्ता मिला स्टारकॉम्प इन्फोटेक में 4,838 रुपीज का। वहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट में सबसे महंगा था 5,416 रुपीज का। ऑनलाइन प्राइसेस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हैं। साथ ही इसके बाद जब हमने B360M DS3H जो कि है इंटेल के i5 8400 के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे सस्ता हमको मिला स्टारकॉम्प इन्फोटेक में एंड सबसे महंगा हमको मिला अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो यही ट्रेंड गीगाबाइट का B450M DS3H मदरबोर्ड फॉर राइजन R5 2600, ये हमको मिला सबसे सस्ता अगेन स्टारकॉम्प इन्फोटेक में 6,372 का। वहीं पे सबसे महंगा मिला अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट में 7,304 रुपीज का। नेक्स्ट
जब हम लोग देखते हैं तो 8 GB DDR4 रैम जो भी सबसे चीपेस्ट मिला उसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसमें सबसे कम प्राइस हमको मिला 5750 का MD कंप्यूटर्स के ऑनलाइन वेबसाइट पे, वहीं पे सबसे महंगा मिला प्राइम EBGPN कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइसेस में। एंड ये जो पूरा डिफरेंस था ये सिर्फ 200 रुपए का था, तो 5750 के अगेंस्ट में 5950। तो आप देख सकते हैं कि 8 GB DDR4 रैम के प्राइसेस काफी हद तक स्टेबल हो गए हैं एंड वो काफी ज्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 TB HDD की। ये अगेन मैंने सबसे सस्ते वाले को लिया है, तो स्टारकॉम इन्फोटेक में अगर मेरे को ये 2832 रुपीज का मिला। एंड वहीं पे जब हम उन्हें ऑनलाइन देखते हैं तो प्राइम EBGP पे सबसे महंगा मिला 3200 रुपीज। अगेन जब 120 GB SSD विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, तो वो हमको MD कंप्यूटर्स में मिलता है 2090 रुपीज का। वहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट में सबसे महंगा मिलता है 2360 रुपीज का। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो इसमें मैंने तीन ग्राफिक्स कार्ड को लिया है। फर्स्ट इज GTX 1070 जो कि 2 GB का GTX 1070 हमको स्टारकॉम पे सबसे महंगा मिल रहा था 40,120 रुपीज। वहीं पे प्राइम EBGP पे इट वाज जस्ट 35,247 रुपीज। ये हमको मिला गैलेक्स कंपनी का। इसके बाद बात करते हैं GTX 1066 GB की। तो ये सबसे सस्ता हमको मिला 22,418 का कॉस्ट टू कॉस्ट में। एंड वही यही हमको चांदनी चौक कोलकाता में मिला सबसे महंगा, इट वॉज 25,960 ऑनलाइन शॉप्स का, इन दोनों के बीच में था। एंड फाइनली RX 580 8 GB वर्जन की बात करते हैं, तो 27,500 ये हमको MD कंप्यूटर्स के वेबसाइट पे मिला। सबसे कम मिला 24,164 रुपीज में प्राइम AVGP के वेबसाइट पे। एंड सबसे महंगा मिला स्टारकॉम इन्फोटेक में, जहाँ पे 36,580 रुपीज का मिला। तो ये देख सकते हैं कि RX 580 के प्राइसेस अभी तक ऑफलाइन शॉप्स में उतने ज्यादा कम हुए नहीं है जितने ऑनलाइन पे हमको ये ऑफर हो रहे हैं। यानी मैंने आज तक RX 580 कभी 24,164 रुपीज में नहीं देखा है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मेरे को ऑप्शन मिले GTX 1060 एंड RX 580 के बीच में कोई ग्राफिक्स कार्ड चूज करने का, डेफिनेटली गॉट द RX 580 वर्जन, क्योंकि इसमें हमको 8 GB रैम मिलती है पहली बात। दूसरा, इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट फ्री सिंक मिलता है। एंड अगर आप इस बजट में अगर आप लोग 1080p 60 FPS गेमिंग करना चाहते हैं एंड फ्री सिंक के साथ, इट वुड बी जस्ट लाइक अमेजिंग, मजा आ जाएगा करके। तो फ्री सिंक इज अ वेरी बिग फैक्टर। जी सिंक करने के लिए आपको बहुत महंगा मॉनिटर लेना पड़ता है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। बट फ्रीसिंग तो 24,164 रुपए पे प्राइम EBGP के वेबसाइट में सबसे कम रेट में अवेलेबल है। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट इफ यू वांट टू बाय। तो चलिए अब बताते हैं कि विनर कौन है एंड ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में हु विंस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज्यादा रेड एंड सबसे ज्यादा ग्रीन ये है हमारे ऑफलाइन शॉप्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन शॉप्स में जब हम देखें तो CPUs एंड मदरबोर्ड्स, CPUs सबसे सस्ते हैं, मदरबोर्ड सबसे महंगे हैं। वहीं पे चांदनी चौक में आप देखेंगे कि सारे मदरबोर्ड जो है वो सबसे सस्ते मिल रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये यही शो कर रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द प्लेस आप जहां पे भी हैं, प्राइसेस आपको मोर और लेस 500,000 रुपए के ऊपर नीचे ही मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग बाकी के कंपोनेंट्स की बात करें तो रैम, SSD एंड ग्राफिक्स कार्ड ये हमको ऑनलाइन शॉप्स में सबसे ज्यादा सस्ते मिलते हैं। बट हो सकता है कि जब आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़े तो ये मैच हो जाए। बट RX 580 8 GB वर्जन आई डोंट थिंक आपको कहीं भी मिलेगा 24,164 रुपए में। इट इज टू गुड टू हैव इट। एज सून एज अगर आप लोगों को 1080p गेमिंग करनी है तो आई वुड रिकमेंड दिस कार्ड। दिस इज द बार्गेन एंड अ डील राइट नाउ, सो दिस इज क्वाइट नाइस। इतना कम मैंने कभी नहीं देखा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पक्का एक ले लेता, बिकॉज मेरे को फ्रीसिंग का यूज करना था एंड इट वुड have been just amazing. Otherwise, GTX 1060 के भी prices काफी कम हो गए हैं 22,418. तो ये crypto mining era के बाद का time है, तो यहाँ पे जो prices कम हुए हैं, this is quite nice. I think 22,000 में GTX 1060 पहले भी नहीं मिला है and 24,000 में RX 580 इससे पहले इंडिया में कभी मिला होगा, सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ये सारा जो डेटा है एंड ये सारा जो एनालिसिस है आप लोगों को काफी हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में। एंड अगर आपके आसपास के भी कोई शॉप्स है तो आप सीधा उनसे ये प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना दूध का दूध और कितना पानी का पानी, यानी कितना पैसा आप खो सकते हैं या बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर दिल्ली के आसपास की जगहों पे हैं, यानी जहां पे आपको जाने आने में ही सिर्फ 2,000 का खर्चा हो जाए, वहां पे आप दिल्ली जाके आप लोग नेहरू प्लेस में लें। बट हाँ, ऑप्शंस की बात करें तो ऑनलाइन ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं, ऑफलाइन उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, बिकॉज शॉप टू शॉप डिपेंड करेगा। अगर आप बड़े शॉप्स में जाते हैं, यानी जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया या नेहरू प्लेस या चांदनी चौक के बड़े शॉप्स में हो गए, तो वहां पे प्राइसेस काफी स्टैंडर्ड रहते हैं। जो छोटी शॉप्स होती है वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है बार्गेनिंग करने का। सो आई थिंक दिस होल डेटा विड हेल्प यू अ लॉट।
तो क्या लगता है आप लोगों को, बताइए मुझे कमेंट्स में ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, स्टे ऑसम, स्टे सेफ, पीस आउट।